नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक जो चौपाई है तुलसीदास जी की, बहुत ही प्रचलित चौपाई है, उसकी सच्चाई के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो तुलसीदास जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ऊंचे संत थे, महात्मा थे, तो उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही होगी। इस चौपाई को लेकर बार बार विचार विमर्श होते हैं लोगों में, मतभेद होते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता। आज हम इसकी सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये बात सत्य है कि ढोल, जो ढोलक होती है, जब तक उसको ताड़ोगे नहीं, पीटोगे नहीं थोड़ा बहुत, तब तक वो राग प्रकट नहीं करेगी, वो ठीक से नहीं बजेगी। गंवार, पहली बात तो इस चौपाई को एक लोगों ने अर्थहीन बना दिया है। इसमें मैं आपको ठीक से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें ढोल तो अलग है। चौपाई को ध्यान से देखना आप, रामायण में इसमें कहीं कॉमा लगा हुआ नहीं है, इसलिए ढोल अलग है, गंवार अलग है, शूद्र अलग है, पशुनारी अलग है। तो शूद्र पहले तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जाति वर्ण व्यवस्था होती थी पहले, जन्म से किसी की कोई जाति नहीं होती। जिसके कर्म गलत हैं वह शूद्र है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मा क्यों ना हो। जिसके कर्म अच्छे हैं वह अच्छा इंसान है, वह ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण के घर में यदि कोई नीच पैदा हो जाए तो वह शूद्र से भी बेकार है, शूद्र है। और अगर किसी वैसी जाति में अगर कोई ऊंचा आदमी प्रकट संतान ने जन्म लिया हो तो वह महान संत बन जाता है। तो जाति जन्म से नहीं है, अपने कर्म के अनुसार है। जो लोग जातिवाद को जन्म से संबंध रख करते हैं वो एकदम गलत हैं। हमारे वेदों पुराणों और शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कोई भी इंसान जन्म से क्षत्रिय होता है, शूद्र होता है, ब्राह्मण होता है या वैश्य होता है। जिसका जो कर्म होता है वो उसी वर्ण अवस्था में चला जाता है। लेकिन यह तो कुछ विदेशी जो आए थे हमारे यहाँ पर, जिन्होंने राज किया था, उन्होंने हम में फूट डलवाने के लिए ऐसा कर दिया था, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कर दी थी, जहर घोल दिया था बिल्कुल। इसलिए पहले तो इस बात को यही समझना होगा कि जन्म से कोई किसी की जाति नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही वर्ण व्यवस्था में रहेगा। तो मैं कह रहा था ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल को जब तक आप नहीं पीटोगे तब तक वो नहीं बजेगा। गंवार, गंवार का अर्थ यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि गंवार जो इंसान होता है, यानी कि जो सद्बुद्धि से नहीं चलता है, जो कुकर्म करता है। तो यह तो हमारे संविधान में भी है, जो गलत कार्य करता है उसको दंडित किया जाता है, उसको थर्ड डिग्री दी जाती है। तो गंवार मूर्ख आदमी है, जो गलत कार्य कर देता है उसको बार बार ताड़ना भी जरूरी है। शूद्र पशु नारी, शूद्र का यहाँ मैं मतलब पहले ही बता चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, शूद्र कोई जाति नहीं है। हर जाति में शूद्र होता है, ब्राह्मण में भी नीच कर्म करने वाला होता है, राजपूतों में भी नीच कर्म करने वाला होता है, और क्षत्रियों में भी होता है, सब में होता है। और जो नीच कर्म करता है उसको ताड़ना बहुत जरूरी है, जब तक उसको ताड़ोगे नहीं वह सुधरेगा नहीं। शूद्र अब पशु नारी, यहां पर पशु और नारी अलग अलग नहीं है। नारी में तो माता सीता भी थी, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो आप जरा विचार करिए कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखे तो माता सीता के बारे में वो क्या ऐसे कहेंगे कि जब तक नारी को डांटोगे नहीं, ताड़ोगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं रहेगी। यहाँ पर नारी और पशु अलग अलग नहीं है, यहाँ पर लिखा है
ढोल गवार शूद्र पशुनारी, पशुनारी यानी कि जो पशु प्रवृत्ति की नारियां होती हैं, पशु प्रवृत्ति की नारियां, वो सब दंडित करना, ताड़ना उनके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि शूपड़ खाती, जब तक वो पशुनारी व्यभिचारिणी औरतें हो जाती हैं तो उनको ताड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक लक्ष्मण जी ने उनकी नाक नहीं काटी थी, उसको ताड़ना नहीं दी, तब तक वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी, वो कुकर्म में लगी हुई थी। जैसे ताड़का थी राक्षसनी, तो पशु नारी यानी कि जो पशु प्रवृत्ति की नारियां होती हैं उनको ताड़ना बहुत जरूरी होता है। तो तुलसीदास जी की चौपाई का कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उसको सभी नारियों में कह देते हैं कि भाई सभी नारियों के लिए बोला है, ऐसा ऐसा नहीं है, पशु प्रवृत्ति की नारियों के बारे में बोला है, और शूद्र कहते हैं कि किसी जाति के लिए बोला है, जाति के लिए नहीं बोला है। शूद्र यानी कि जो शूद्र के कर्म करता है वो हर जाति में मिलता है, ब्राह्मणों में मिलता है, हर जगह मिलता है। जो गलत कर्म करता है वह दंडित करने योग्य होता है, और गवार ढोल जब तक नहीं उसको ताड़न करोगे तब तक वह बजेगा नहीं। तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मेरी इस चौपाई का अर्थ बिल्कुल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ढोल को जब तक नहीं पीटेंगे तब तक नहीं बजेगा, गवार को तब तक दंडित नहीं करेंगे तब तक वो भी सदमार्ग पर नहीं चलेगा, शूद्र कोई जाति नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रहा हूँ, शूद्र कोई जाति नहीं होती है, शूद्र उसके कर्म करवाते हैं, जिसके जैसे कर्म है, गलत कर्म है करेगा तो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो वो शूद्र ही कहलाएगा, और जो किसी भी जाति में अच्छे कर्म करेगा इंसान तो ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। महर्षि वाल्मीकि थे, क्या वो ताड़न के अधिकारी थे? ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी अपनी मंद बुद्धि के लोग आ जाते हैं और अपनी चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जिन्हें समझ है नहीं, दो पैसे की भी ना गहराई में जाते हैं ना कुछ करते हैं, बस अपने मनगढ़ंत कहानियाँ का अर्थ बना लेते हैं। इसी प्रकार से पशुनारी जो पशु प्रवृत्ति के नारी होती हैं उनके लिए तुलसीदास जी ने कहा है। तो मैं समझता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलोवर्स कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके पास तक बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और सच्चाई की तरफ, जो सच बात है उनकी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। मैं बार बार इसी बात पर फिर से जोर लगा रहा हूँ कि जन्म से किसी की कोई जाति नहीं होती। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, वकील का बेटा वकील नहीं होता, मास्टर का बेटा मास्टर नहीं होता। मास्टरी करने के लिए उसको बेटे को पढ़ना पड़ेगा तब मास्टर बनेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा जब डॉक्टर बनेगा। तो अगर राजपूत है, उसके घर में किसी बुजुर्ग ने जन्म दे दिया तो क्षत्रिय धर्म को नहीं अपना रहा, क्षत्रिय का खून नहीं उसके अंदर, तो वो क्षत्रिय किस लिए कहलाएगा? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, मीट मदरा पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वैश्यबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, तो वो ब्राह्मण कहाँ से कहलाएगा? वो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो मेरी समझने की आप कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। जन्म से किसी के कोई जाति नहीं होती, और तुलसीदास जी ने ये बहुत सोच समझ कर लिखा होगा, क्योंकि उस समय पर बहुत जाति व्यवस्था नहीं थी। जो लोगों ने यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म को बांटने के लिए जातियों में अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच दिए, जिसकी वजह से हम आपता के आपस में फूट पड़ जाए, और इसलिए ऐसी ऐसी चौपाइयों को अर्थ का अनर्थ कर करके बतलाते रहते हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय राम जी की।